नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। चलिए आज आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है 50 मार्क्स इंग्लिश का, तो इसमें हम लोग जो है चेक कर लेते हैं अपना आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है द बुक इज डैश द टेबल, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑन। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग मिला लेना आपका जो भी सेट होगा। ठीक है, दूसरा है सी इज डैश इनोसेंट गर्ल। ठीक है ना, तो यहाँ इनोसेंट, इनोसेंट ई से इसका उच्चारण आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एन लगाना है हम लोगों को, तो इसका दो का यहाँ बी होगा इस वाले सेट के हिसाब से। आगे है आई डैश लिविंग हियर सिंस 2010, तो ये आपको पता ही चल रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ हैव बिन लगेगा। ठीक है ना, तीसरे वाले क्वेश्चन में। नंबर फोर है आई इफ आई डैश टू क्लासिकल म्यूजिक आई कैन राइट गुड पोएम्स, तो आपको पता ही होगा कि ये इफ वाले सेंटेंस जो है, और जब वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट हो या कोई और सेंटेंस हो तो ऐसी स्थिति में हम इफ के साथ में यूज करते हैं वर्ब वन। तो यहाँ पे लिसन मतलब इसका जो डी वाला आंसर है वो सही होगा। आप क्वेश्चन देख लो, इफ आई डैश टू क्लासिकल म्यूजिक आई कैन राइट गुड पोएम, यहाँ लिसन इसका सही जवाब होगा। आप खुद से मिला लेना, ठीक है, अपने सेट से। नेक्स्ट है पांच नंबर, वी डैश वाचिंग टीवी इन आवर रूम, तो ये सिंपल है, वी आर वाचिंग टीवी इन आवर रूम। ओके, नंबर छः है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब सही जो वर्ड है उसको बताना है, तो यहाँ पे सही वर्ड बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया होगा। यहाँ पे सही वर्ड है ये वाला प्रिंसिपल, पी आर आई एन सी आई पी ए एल, ये वाला प्रिंसिपल। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक भी गलती करके आए हैं। सात नंबर है द चाइल्ड इज ईटिंग बनानाज, तो यहाँ पे हमको ये वॉइस बनाना है, तो यहाँ बनाना जो है आगे आएगा और इज ईटिंग जो है ये बन जाएगा आपका बिंग ईटन में। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब होगा सात का सी, वॉइस आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से इजी वे में बना दिया होगा। क्वेश्चन नंबर आठ है दिस लेटर्स वर रिटन बाई अ फेमस ऑथर, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, तो एक्टिव वॉइस बनेगा अ फेमस ऑथर रोट दिस लेटर्स। ठीक है ना, नंबर नौ है आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब डैश द ईयर 2001 या 2001, तो इसको हम लोग इन लगाएंगे इसमें। ठीक है, दस नंबर है सी लेफ्ट लंदन, ठीक है ना, सी लेफ्ट लंदन डैश 4th of March। ठीक है, तो यहाँ जब डेट दिया होता है तो आपको पता है ऑन लगता है, तो यहाँ पे ऑन लगा देना है, ऑन 4th of March। इसके बाद आगे है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का सही मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ ऑप्शन है टेक केयर ऑफ। ठीक है, टेक केयर ऑफ इसका सही मीनिंग होगा। आगे है द एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑल वर सेटिस्फाइड, तो इसका होगा नंबर डी, द एग्रीमेंट मेड ऑल सेटिस्फाइड, ये वाला सही है। इसके बाद तेरह नंबर है सुधीर इज डैश नाउ, तो यहाँ नाउ लगा हुआ है, तो ये सिंपल है, कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, तो सुधीर इज क्राइंग नाउ, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसके बाद हेस्ट का अपोजिट क्या होगा, देखो हेस्ट का मतलब होता है जल्दी, तो इसका उल्टा हो जाएगा डीले, डीले मतलब होता है देरी से। फिर आगे है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब सही कौन सा है, तो देखो इसमें एड्रेस में ए डबल डी आर ई डबल एस होता है, तो एड्रेस में डबल डी होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, एक डी नहीं होता है, तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, इसके बाद आगे है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज गो अगेंस्ट, गो अगेंस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो देखो गो अगेंस्ट का मतलब होता है किसी का अपोज करना, तो यहाँ अपोज है सही ऑप्शन ए नंबर में। नेक्स्ट है इट इज़ रेनिंग, रेनिंग के बाद आपको बताना है कैसे रेन हो रहा है, तो यहाँ पे हेविली होगा क्योंकि यही एडवर्ब है जो वहाँ वर्ब को मॉडिफाई, वहाँ पे वर्ब को जो है सपोर्ट करेगा। नंबर 18 है राधा लिसन टू हर मदर डैश, राधा जो है वो अपने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, और एक बार यहीं पे वर्ब को सपोर्ट करने के लिए वर्ड चाहिए, मतलब एडवर्ब चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमको केयरफुली लगाना होगा, यही यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, आगे है हाउ लॉन्ग आफ्टर हिज फादर्स डेथ इज डेविड बॉर्न, डेविड जो है उसकी उसका जन्म कितने दिनों बाद हुआ था, तो आपको पता है 6 महीने बाद, मतलब पिता के मृत्यु के 6 महीने बाद जो है डेविड का जन्म हुआ था। द सोल्जर इज कम्पोज बाई, ईजी क्वेश्चन है, आप लोग बना लोगे, 20 नंबर का ये रूपर्ट ब्रूक होगा आंसर। ठीक है ना, इसके बाद आगे है आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज, ये किस चैप्टर के द्वारा लिया गया है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डब्ल्यू बी इट्स होगा आंसर। ठीक है ना, ये चैप्टर का ही एकदम शुरुआत है। ओके,
इट इज नॉट ऑलवेज ईजी इन कंपनी टू स्पीक, ठीक है ना। तो इस वाले में होगा आपका फ्रेंकली, कंपनी में फ्रेंकली स्पीक करना ये इतना आसान काम नहीं होता है। आगे है वेयर डज डेविड मीट स्टीयरफोर्ड, डेविड जो है स्टीयरफोर्ड से कहाँ मिला था, तो वो मिला था सलेम हाउस में, ठीक है ना। सलेम हाउस वही स्कूल है जहाँ पे उसकी मुलाकात जो है स्टीयरफोर्ड से हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, रडयार्ड वाज बॉर्न इन, रडयार्ड किपलिंग का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म आप सभी को पता है कि बॉम्बे में हुआ था रडयार्ड किपलिंग का जन्म, ठीक है, और ये यहाँ के थे नहीं, ओके। इफ इज कंपोज्ड बाय, इफ किसने लिखा है, सिंपल है, रडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है इफ। डेविड बेस्ट फ्रेंड वर, डेविड के बेस्ट फ्रेंड कौन थे, तो इसका ऑप्शन होगा बी वाला, टॉमी एंड स्टीयरफोर्थ, टॉमी ट्रेडल्स और स्टीयरफोर्थ उसके बेस्ट फ्रेंड थे। आगे है व्हाट हैज कम्प्लीटली वैनिश्ड इन द मॉडर्न टाइम, आज के मतलब आधुनिक युग में किस चीज़ को कम्प्लीटली वैनिश किया गया है, कौन सा चीज़ पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, तो वो है राइटिंग लेटर्स, ठीक है ना, पत्र लिखना। इसके बाद आगे है द वर्ल्ड वाज बिकमिंग टू लुक मोर, ये किस चैप्टर से आप एक बार देख लेना इसको, ये ऐसे आवर ओन सिविलाइजेशन से है, मैं अभी कहीं बाहर हूँ और मैं इसको देख नहीं पाया हूँ, ठीक है। आगे है हु डिक्लेयर्स टू डेविड हिज इंटेंशन टू मैरी एग्नेस, ठीक है ना, ये एग्नेस से शादी करने का इंटेंशन किसने, हु डिक्लेयर्स टू डेविड, ठीक है ना, डेविड को किसने बताया कि वो एग्नेस से शादी करना चाहता है, तो वो बताया था यूरिया हिप ने, आपको पता ही होगा यूरिया होगा सही जवाब। आगे है ऑन लेटर राइटिंग किसके द्वारा लिखा गया है, तो एजी गार्डिनर के द्वारा लिखा गया, ये थे आपके 30 ऑब्जेक्टिव।